दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन एस्पिरेंट्स की जो इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में बहुत मेहनत करने के बाद भी पीछे रह गए और रिजल्ट को लेकर काफ़ी निराशा महसूस कर रहे हैं, जो इस दुविधा में है कि आखिर अब आगे क्या करें, तैयारी को ही जारी रखें या फिर तैयारी के साथ कोई जॉब पकड़ लेनी चाहिए। साथ ही बात करेंगे उन एस्पिरेंट्स की भी जो बार बार ट्राई करने के बाद भी इस जंग में पिछड़ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दोस्तों एक तरफ जहां यूपीएससी का सफ़र इतना लंबा और कठिन है, वहीं सफ़र में वे एस्पिरेंट्स भी शामिल हैं जो अपना सब कुछ दांव पर रखकर दिल्ली जैसे महंगे शहर में आकर रहते हैं। इनके आगे जहां घर वालों की इच्छाएं होती हैं, वहीं पैसों की कमी इनकी दुविधा को और बढ़ा देती है। जल्द से जल्द ये एस्पिरेंट्स आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, जिससे घर वालों की उम्मीदों पर खरा उतरा जा सके। ऐसे में ये दूसरे विकल्प की ओर जाना भी सही नहीं समझते, क्योंकि इनके माता पिता इन्हें ऑफिसर बनते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पहले साल में परीक्षा क्लियर नहीं कर पाते तो फिर आपको इस विषय पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने इस साल पहली बार परीक्षा दी थी और अब 2025 में फिर से परीक्षा देंगे, उन्हें हमारी राय है कि अगर आप आर्थिक रूप से ठीक हैं तो सिर्फ तैयारी पर ही फोकस कर सकते हैं या फिर कोई जॉब पकड़कर उसके साथ तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपका डबल नुकसान ना हो। कोई ऐसी नौकरी करें जो आपकी तैयारी में भी आपकी मदद करे, जैसे टीचिंग, एजुकेशन पर कंटेंट बनाना आदि काम कर सकते हैं। इससे आपके पास उस फील्ड का एक्सपीरियंस भी होगा, साथ ही ज़रूरत पड़ने पर यह स्किल आपके काम भी आएगी। अब दोबारा अगर आप इस परीक्षा में बैठने वाले हैं तो आपको ये काम इस बार अपनी तैयारी में करने चाहिए। परीक्षा में की हुई मिस्टेक्स को ढूंढें और उन्हें एक्सेप्ट करें। इन मिस्टेक्स को दोबारा ना दोहराएं। एक ऐसे मेंटर को ढूंढें जो आपको बड़े भाई या बहन की तरह गाइड करे। आंसर की को बार बार चेक करना बंद कर दें। रिसर्च एंड एनालाइज PYQs इस बार पहले से ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान दें। इसके अलावा प्लान बी के बारे में भी सोचें। अब वे एस्पिरेंट्स जो 2 से ज़्यादा बार अटैम्प्ट दे चुके हैं, तो अब इन्हें अपने करियर को लेकर सीरियस होने की ज़रूरत है। आपको अब कोई और जॉब या प्लान बी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक तरफ जिद आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। अगर आपके पास एक जॉब होगी तो आप निश्चिंत होकर तैयारी भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लास्ट अटेम्प्ट तक भी यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते तो कम से कम आपके पास कुछ तो होगा। ये बात ध्यान में रखिए कि यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा है, आपका जीवन इस पर निर्भर नहीं करता। हो सकता है कि आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट हो जिसमें आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि दूसरों के कहने पर या किसी प्रेशर में आकर जैसे तैसे अगर आप यूपीएससी पास कर भी लेते हैं, तो क्या गारंटी है कि आप उस फील्ड में अच्छा कर पाएंगे, साथ ही आपका मन भी उस काम में लगेगा। तो हमेशा अपनी पसंद को प्रियोरिटी दें। इसके अलावा 3 बार से ज़्यादा अटैम्प्ट देने वाले एस्पिरेंट्स करंट अफेयर्स पर बहुत ध्यान दें। साथ ही आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि इतनी बार अटैम्प्ट देने के बाद आपके सिलेबस की तैयारी तो लगभग हो जाती है। अब ये समय आपकी कमियों को सुधारने और तैयारी को और बेहतर करने के लिए होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। साथ ही इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नए वीडियो, एक और नए विषय के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।